नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मलिक मॉनिटर पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने एलएल टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है और इसको आपने खुद से अप्लाई किया है और आप इसका जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तब आप वहाँ पर पासवर्ड सेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो टेक्स्ट मैसेज आता है परिवहन विभाग की तरफ से जिसमें पासवर्ड लिखा होता है, अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आया है तो दोबारा आप कैसे अपना पासवर्ड प्राप्त करेंगे, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करेंगे आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा और जिसको देखकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको गूगल क्रोम पर आके हमको टाइप करना होता है डीएल ऑनलाइन। तो डीएल ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर परिवहन की वेबसाइट पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ड्राइविंग रिलेटेड सर्विसेज पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो हमारा जो पासवर्ड सेंड नहीं हो रहा, तो हम जब ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लिक करना है। हमको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालनी है, नीचे पासवर्ड डालना है, ऊपर हमको एप्लीकेशन आईडी डालनी है, नीचे हमको डीओबी डालनी है, जन्मतिथि, फिर नीचे हमको पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालनी है। तो यहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन आईडी डाल दी, जो हमारी जन्मतिथि है वो भी हमने यहाँ पर डाल दी। नीचे हम पासवर्ड डालने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी वो भी हम आपको समझाएंगे कि आपके मोबाइल पर मैसेज क्यों नहीं आया, आपके मोबाइल पर जो पासवर्ड जो भेजा गया है मैसेज के द्वारा, वो आपको मैसेज अभी क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे ठीक होगा और कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले फिर इसके बाद हमको दोबारा से आ जाना इसी वाले पेज पर। अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है कम्प्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर इस फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल है हम फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको एप्लीकेशन आईडी डालनी है और फिर हमको पासवर्ड डालना है। तो एप्लीकेशन आईडी हमारी यहाँ पर टाइप हो रही है बगैर स्किप किए। आप जो है इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करके ही जाएंगे, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपना पास डीओबी डाल दिए, नीचे हमको कैप्चा कोड है ये हम डालेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से हमको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आया हुआ है। यहाँ पर इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ आप देख सकते हैं, साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ स्कूटनी। फिर आगे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक काउंटर नंबर 2 पर। तो ये बायोमेट्रिक जो है काउंटर नंबर 2 पर होती है, यहाँ पर हमारा स्कूटनी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो आपको ये देख लेना है कंप्लीट फॉर्म पर लॉगिन करके, आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपकी स्कूटनी अभी कंप्लीट हुई ही या नहीं हुई है। तो जिन लोगों की स्कूटनी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उन लोगों के मोबाइल पर जो टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है, उनके मोबाइल पर जो पासवर्ड यहाँ पर हम डालते हैं वो वाला, उनको पासवर्ड अभी मिला नहीं है। यहाँ पर जो हम पासवर्ड डालते हैं, तो जब हम पासवर्ड डालेंगे उसके बाद हम ये रोड सेफ्टी की वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम अपना एग्ज़ाम देंगे। अगर आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है और आपकी स्कूटनी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले स्कूटनी कंप्लीट अगर हो गई होगी तो यहाँ पर आपके सामने रिसेंड पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है तो उसकी कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, आप पासवर्ड रिसेंड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर कुछ रेड से लिखा तो नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास रेड से कुछ लिखा हुआ तो कोई ना कोई इशू है। अगर आपका स्कूटनी वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना भी पड़ सकता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन इंतज़ार किए थे। कई अपने फैमिली के 4-5 लोगों का हमने आवेदन किया था, तो लगभग सभी के जो है लर्निंग लाइसेंस बन के आ गई, जिसकी वीडियो भी हमने बनाई थी और अपने चैनल पर अपलोड भी की थी कि हमारा 15 दिन के अंदर जो है लर्निंग लाइसेंस कैसे बन के आ गया, जिसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो आप वहाँ से वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपके पास यहाँ पर एक बटन इनेबल कर दिया जाएगा जहाँ से आप अपना पासवर्ड रिसेंड करेंगे। और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आप जो है रोड सेफ्टी की वीडियो देखेंगे, रोड सेफ्टी की वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे।
एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, इससे पहले हम एग्ज़ाम की वीडियो बना चुके हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को वॉच करें, कर लें, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सावधानियां हमने बताई हैं। उन सावधानियों को आप बरतेंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पर फ़ायदा मिलेगा और आप अपना एग्ज़ाम घर बैठ के पास कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जिसका आपको त्वरित जवाब मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।